एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट है टेर कमांड। द टेर कमांड परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन विद एट्रीब्यूट्स। अब सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो टेर कमांड है सेम जिप कमांड की तरह ही काम करती है। ठीक है, जिप का काम भी बहुत सारी फाइल्स को इकट्ठा एक ही फाइल के अंदर पैक करना, और टेर कमांड का काम भी सेम वही है, मल्टीपल फाइल्स को एक ही फाइल के अंदर पैक करना। लेकिन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो जिप फाइल है उसका जो साइज बनता है पैक करके वो कम बनता है, और टेर कमांड के साथ अगर हम फाइल को जिप करते हैं तो उसका जो साइज है वो ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट डे हमने एक फोल्डर बनाया था एफ ड्राइव के अंदर सुनील, और उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया था फाइल्स नाम से। तो सबसे पहले हम अपनी डायरेक्टरी के अंदर यानी कि अपनी ड्राइव के अंदर एंटर करते हैं। तो उसके लिए कमांड सीडी यानी कि चेंज डायरेक्टरी एफ एंटर, और एफ के अंदर सीडी सुनील। ठीक है, अब इसके अंदर हमने जो फाइल्स बनाई थी वो ये थी, एक कूल डॉट डॉक, कूल डॉट टी एक्स टी, टेस्ट डॉट टी एक्स टी, टेस्ट टू डॉट टी एक्स टी। ठीक है, अब इन फाइल्स के ऊपर इस कमांड को अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट है टेर माइनस सी एफ हेलो डॉट टैर नाम से एक फाइल बना रहे हैं, उसके अंदर हम तीन फाइल्स को डाल रहे हैं। ठीक है, तो हम सेम यहाँ पे भी अप्लाई करके देखते हैं, टैर माइनस सी एफ, और यहाँ पे फाइल का नाम रख लेते हैं सुनील टैर करके रख लेते हैं इसका नाम, क्योंकि मैंने जिप कमांड को भी अप्लाई करके देखना है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझाना है। ठीक है, तो डॉट टैर और इसके बीच में डाल देते हैं हम टेस्ट डॉट टी एक्स टी, टेस्ट टू डॉट टी एक्स टी, और तीसरी कूल डॉट टी एक्स टी, तीन फाइल डाल देते हैं इसके अंदर एंटर। ठीक है, अब चेक करके देख लेते हैं कि इस ड्राइव के अंदर नील टैर डॉट टैर नाम से फाइल बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है, ये देखो एफ ड्राइव में सुनील नाम का जो फोल्डर के अंदर ये फाइल बन गई, और इसका जो साइज बना हुआ है वो है 10 KB। ठीक है, अब जिप कमांड लगा के देखते हैं। जिप यहाँ पे सुनील जिप डॉट जिप करके बनाते हैं, टेस्ट डॉट टी एक्स टी, टेस्ट टू डॉट टी एक्स टी, और तीसरी cool dot txt। एंटर, एडिंग टेस्ट डॉट txt, टेस्ट टू डॉट txt और cool dot txt। अब इनको चेक करके देख लेते हैं ड्राइव के अंदर। ये देखो ये बन गई। अब ये देखो ये जिप फाइल है, इसका जो साइज है वो 2 KB है, जबकि जो टायर फाइल है तो उसका साइज जो है वो 10 KB है। दोनों कमांड का सेम ही काम है, एक ही फाइल के अंदर तीन फाइल को पैक कर दिया इसने। ठीक है, और इस कमांड ने भी सेम वही काम किया, लेकिन साइज अलग अलग बने दोनों के। टायर कमांड बड़े पहले यूज करते थे, ठीक है, अब जिप कमांड यूज करते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका जो एट्रीब्यूट है उसको देखते हैं अप्लाई करके। का नेक्स्ट एट्रीब्यूट है
tear minus tvf hello dot tear. It will display all the files from a tear file. अब ये जो हमने tear file create की है, इसके अंदर कौन कौन सी file हमने डाली हुई है ये उसको display करती है command. ठीक है, जैसे tear minus tvf और यहाँ पे लिखेंगे जैसे सुनिए tear dot tear. ये देखो इसने डिस्प्ले कर दिया और परमिशन भी दिखा रहा है, या फिर रीड राइट एग्जीक्यूट वाली. ये तीन फाइल जो है इसके अंदर हमने डाली हुई है उनको डिस्प्ले कर रहा है. इस कमांड का काम जो है वो ये है, डिस्प्ले करता है ये फाइल्स को, इसके अंदर जो भी फाइल हमने डाली थी उनको डिस्प्ले करता है. ठीक है, अब नेक्स्ट है टायर माइनस एक्स वी एफ हेलो डॉट टायर. अब इस कमांड का काम है एक्सट्रैक्ट करने का. ठीक है, ये सारी जो भी फाइल्स हमने डाली हुई है इनको एक्सट्रैक्ट करना. अब इसको दिखाने के लिए मैं पहले आपको पहले इस फाइल को यहाँ से हम उठा लेते हैं ना. यहाँ पे अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है बार, है ना, तो उसको उठा लेते हैं यहाँ से. इसको कॉपी करते हैं और इस फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ मैं फाइल्स के अंदर. ठीक है, यहाँ पे डाल दिया मैंने इसको. अब यहाँ पे रूट भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रूट है एप ड्राइव में सुनील. अब इसके अंदर मैंने एक फाइल डायरेक्टरी और बना दी है फाइल नाम से ना, इसको भी सीडी फाइल्स. तो यहाँ पे रूट आ गया है, हम फाइल्स के अंदर एंटर हो गए हैं. ठीक है, अब इस ये जो सामने नजर आ रहा है ना, अब इसके ऊपर इस कमांड को अप्लाई करके देखते हैं. टैर माइनस एक्स वी एफ सुनील टैर डॉट टैर. ये देखो यहाँ पे इसने इसको एक्सट्रैक्ट भी कर दिया, सारी फाइल्स निकल के बाहर भी आ गई है ना. तो आई थिंक ये आपको कमांड जो है वो अच्छी तरह से क्लियर भी हो गई है, और जिप और टायर इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी क्लियर हो गया है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, पीएस कमांड. द पीएस कमांड इज यूज्ड टू व्यू ऑल द प्रोसेसेस दैट आर रनिंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. पीएस कमांड उन सारी प्रोसेसेस को दिखाती है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर चल रही होती हैं. ठीक है, अब सीवाईजी विन में ये सिंगल कमांड ही काम करती है. अगर इन सारी कमांड्स को हम इन्हीं पर्टिकुलर इन्हीं एट्रीब्यूट के साथ यूज करें तो ये काम नहीं करती है सीवाईजी विन के अंदर, लेकिन Ubuntu और लिनक्स में ये अच्छी तरह से काम करती है. तो चलो इस कमांड को हम प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं. पीएस, ये देखो यहाँ पे इसने सारी प्रोसेसेस दिखा दी जो रन हो रही हैं इसके ऊपर. ये प्रोसेस की आईडी है, ये इम्पोर्टेंट होती है प्रोसेस की आईडी. अगर कोई भी टर्मिनेट करनी हो प्रोसेस, कोई सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम हैंग कर रहा है तो हम यहाँ से भी टर्मिनेट कर सकते हैं उसको. ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड है अब टॉप कमांड. टॉप कमांड इज यूज्ड टू व्यू द सीपीयू यूसेज ऑफ ऑल प्रोसेसेस. अब टॉप कमांड का काम है कि सीपीयू की जो यूसेज है, सीपीयू कितना यूज हो रहा है, सारी की सारी प्रोसेसेज है सीपीयू को कितना यूज कर रही है, कितने परसेंट यूज हो रही है, ये वो सारी की सारी चीजों को डिस्प्ले करती है. लेकिन ये कमांड जो सी वाई जी विन के अंदर काम नहीं करेगी. ठीक है, Ubuntu और लिनक्स में लगाएंगे तो वहां पर एक कमांड जो है काम करती है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको यूज करते भी हैं तो ये एरर देगी कि बोल रहे बोलेगा कि कमांड नॉट फाउंड. ठीक है, तो Ubuntu और लिनक्स में एक कमांड काम करेगी. अब नेक्स्ट पे आती है 24 पे किल कमांड. द किल कमांड इज यूज्ड फॉर टर्मिनेटिंग द प्रोसेस. अब ये आ गया जो प्रोसेस, अगर हमने प्रोसेसेस को देखना हो तो पीएस कमांड है उसके लिए. ठीक है, पीएस से हम प्रोसेसेस को देखेंगे. जब हमने प्रोसेस को टर्मिनेट करना होगा तो किल कमांड लगा के प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं. द किल कमांड इज यूज्ड फॉर टर्मिनेटिंग द प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल सी ऑल द प्रोसेसेस बाय यूजिंग पीएस माइनस यू और यूजर नेम कमांड. देन अप्लाई द फॉलोइंग कमांड. हम सीधी पीएसई कमांड लगाएंगे, इनको नहीं लिखेंगे. ठीक है, पर्टिकुलर यूजर की देखनी हो तो इसको हम लिखते हैं, लेकिन ये सीवाईजी बिन में काम नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर ये कमांड ऐड नहीं है. ठीक है, तो पीएस से हम प्रोसेसेस देखेंगे और किल के साथ प्रोसेस की आईडी लिखेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस को टर्मिनेट करता है. अब यहाँ पे ये प्रोसेस से चल रही है सारी की सारी. ठीक है,
अब देखते हैं कि ये कौन कौन से प्रोग्राम है। जैसे हम किल करेंगे तो जो भी प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो उसी से हमें क्लियर हो जाएगा कि किल, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, इस प्रोसेस आईडी को देख लेते हैं डाल के 354, यहाँ पे बोल रहा नो सच प्रोसेस। चलो नेक्स्ट अप्लाई करके देख लेते हैं, किल 338, ये कोई प्रोसेस चल रही होगी तो उसको उसने टर्मिनेट कर दिया है। अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम भी तो रन हो रहा है, ये भी एक ही प्रोसेस ही है, ये किल 337, ये इसकी प्रोसेस रन हो रही थी, यही टर्मिनेट हो गया। ठीक है, इसको फिर से शुरू शुरू कर लेते हैं, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो किल कमांड का काम है प्रोसेसेस को टर्मिनेट करना। अगर हम किल और स्पेस जीरो लिखते हैं तो इट टर्मिनेट ऑल करंट प्रोसेसेस एक्सेप्ट सेल, सेल को छोड़ के ये बाकी जो भी प्रोसेसेस रन हो रही होंगी उन सबको ये टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है 25 पे इफ कमांड। द इफ कमांड असाइन एन आईपी एड्रेस टू ए नेटवर्क इंटरफेस एंड कॉन्फ़िगर नेटवर्क इंटरफेस पैरामीटर्स। मान लो अगर हमने नेटवर्क के ऊपर किसी कंप्यूटर के लिए आईपी एड्रेस असाइन करना है तो इस कमांड को हम उबंटू और लिनक्स पे यूज करते हैं। अभी सिंगल ही कंप्यूटर चल रहा है तो ये कमांड इस पे काम नहीं करेगी, है ना। इसके लिए एक नेटवर्क चाहिए, दो तीन कंप्यूटर तो होने चाहिए, तब हम उनको आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने नेटवर्क का स्टेटस देखना हो तो उसके लिए ये जो नीचे कमांड दी हुई है नेट स्टेटस कमांड से हम नेटवर्क का स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नेटवर्क के ऊपर किसी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन करना है तो इस तरह से इस कमांड को यूज़ करेंगे, यानी कि उबंटू और लिनक्स पे इस तरह से इस कमांड को यूज़ करेंगे। इफ कन्फिग डब्ल्यू लैन और इस तरह से 0:1 स्पेस, यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखेंगे और उसका नेट मास्क यहाँ पे और एंटर करेंगे तो जो डब्ल्यू लैन, जो लैन जो है, जो नेटवर्क है उसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे, उस नेटवर्क के ऊपर ये नंबर वन पीसी के लिए जो आईपी एड्रेस लिख रहे हैं उसके लिए असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कमांड इस पे काम नहीं करेगी, इफ कन्फिग। ठीक है, ये काम जैसे मैंने आपको बताया है वैसे काम करेगी। अब नेक्स्ट कमांड है हमारे पास नेट स्टेट। अब नेट स्टेट कमांड, ये कमांड जो बिल्कुल काम करती है इसके ऊपर, ये दिखाई देगी क्योंकि अभी मैंने कंप्यूटर को नेटवर्क के ऊपर इसको मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ उस कमांड को यूज़ करके। ये नेटवर्क का स्टेटस दिखाएगी और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आती भी है ये एग्ज़ाम में। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। नेट स्टेट, ये देखो ये नेटवर्क का स्टेटस दिखा रहा है। अभी हमारा जो नेटवर्क है किस लोकल एड्रेस पे काम कर रहा है, HTTP पे जो भी रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं ना वो सारे दिखा रहा है, TCP के ऊपर जो भी डाटा आ रहा है जा रहा है, कुछ भी जो प्रोसेस ऑन करते चल रही है वो सब कुछ दिखा रहा है। तो ये थी नेट स्टेट कमांड। ठीक है, अब इसको चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, डीएफ कमांड। डीएफ कमांड डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ फ्री डिस्क स्पेस अवेलेबल ऑन ए माउंटेड फाइल सिस्टम। अब ये जो डीएफ कमांड है ये डिस्प्ले करती है कि कितना स्पेस जो है वो डिस्क के ऊपर बचा हुआ है एक माउंटेड फाइल सिस्टम के ऊपर। अब ये माउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये लिनक्स और उबंटु में, विंडोज में ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेट का है। ठीक है, माउंटिंग करते हैं, फाइल सिस्टम बढ़ाते हैं फिर उसको माउंट करते हैं
लिनक्स और उबंटू में थोड़ा सा डिफरेंट है। विंटू में हम सीधी फॉर्मेटिंग कर देते हैं और फाइल सिस्टम तैयार हो जाता है, ठीक है, इसमें माउंटिंग करना पड़ती है। द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज्ड विद डीएफ कमांड आर। अब आगे ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये डीएफ कमांड के साथ हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है माइनस ए। अगर डीएफ के साथ हम माइनस ए यूज करेंगे तो इट विल डिस्प्ले ऑल द स्पेस विद एम्प्टी फाइल सिस्टम। तो जो भी स्पेस है फाइल सिस्टम में, एम्प्टी फाइल सिस्टम है, उस सारे स्पेस को ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं डीएफ माइनस ए। यहाँ पे इसने इसको डिस्प्ले किया, यूज्ड कितना है, अवेलेबल कितना है, लेकिन ये थोड़ा सा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा समझने में मुश्किल आ रहा है कि पता नहीं के बी है एम बी है क्या है। इसके लिए नेक्स्ट कमांड है आगे माइनस एच। इट प्रिंट द साइज इन ए ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, सच है जैसे यहाँ पे 19.2 एमबी लिखा हुआ है, एमबी नहीं लेकिन ये इसको जीबी में दिखाता है साइज को। ठीक है, इट प्रिंट द साइज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म सच एज 19.2, यहाँ पे जीबी लिख लेना आपने। ठीक है, माइनस एच जीबी में दिखाता है साइज, डीएफ माइनस एच। ये देखो यहाँ पे सी ड्राइव का ये साइज 233 जीबी है, यूज 86 जीबी है और अवेलेबल जो है 147 जीबी। ठीक है, और माइनस के जो है यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट माइनस के, के स्टैंड फॉर किलोबाइट में दिखाएगा और एम स्टैंड फॉर मेगाबाइट में। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यूज करके देखते हैं डी एफ माइनस के, ये साइज जो है वो किलोबाइट में दिखाएगा, ये किलोबाइट में यूज अवेलेबल। ठीक है, और एम जो है वो मेगाबाइट में दिखाएगा, डी एफ माइनस एम, ये एम बी में दिखा रहा है, ये एम बी में साइज यूज अवेलेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड है लॉग आउट कमांड। अब लॉग आउट से नाम से पता चल रहा है कि ये हमें शेल से लॉग आउट कर देगी, लॉग आउट। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही कमांड्स काफी थी, कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।